नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइड यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है विजय। तो आज की इस वीडियो में हम इंस्टेंट वाटर गीजर को इनसाइड करेंगे और देखेंगे कि ये खरीदने लायक है या नहीं। और आप यदि इसको खरीदने का सोच रहे हो तो आपके लिए भी ये अच्छा है कि आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद देखिए कि आपको खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। क्योंकि इसमें का एक गीजर मैंने एक साल पहले की बात है शायद, तब भी मैंने खरीदा था और उसको इनसाइड किया था और आपने उसको बहुत तारीफ करी थी, मतलब बहुत बढ़िया वीडियो आपको लगा था। तो ये जो गीजर है उसमें से थोड़ा हट के ये गीजर है, इसकी क्वालिटी मेरे को थोड़ी अजीब लग रही है। क्योंकि उसके पहले जो था उसमें ऐसा कुछ सेंसर नहीं था कि जिसमें आप देख सकते हो कि उसमें कितना पानी गर्म हो सके, लेकिन इसमें एक नई चीज़ है कि इसमें आप देख सकते हो कि इसमें जो वाटर जो है उसका टेम्परेचर कितना है, आप इसमें मॉनिटर कर सकते हो। तो ये जो सामने का जो ब्लैक कलर का प्लास्टिक का पोर्शन जो मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, इसके पीछे लगा है मॉनिटर जहाँ से आप देख सकते हो कि कितना टेम्परेचर इसके अंदर है, जो उसका पानी उसका कितना टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हो इस प्रकार इसकी इस तरह इसमें हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। और ये जो हीटिंग एलिमेंट है ये 3 किलोवाट का है, मतलब 3000 वाट का इसका हीटिंग एलिमेंट है जो कि इंस्टेंट पानी को गर्म कर सकता है। और इसका चैम्बर भी बहुत छोटा सा है, तो बहुत कम पानी आता है इसमें और तुरंत पानी गर्म कर देता है। जैसे ही आप इसका नल ओपन करेंगे तो आपको तुरंत गर्म पानी मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी मिल जाएगा कितने डिग्री का पानी गर्म है, यदि ज़्यादा गर्म हो तो आप उस हिसाब से ठंडा पानी गर्म पानी उस हिसाब से मिला के इसको यूज़ कर सकते हो। तो जहाँ पर इसका ये जो मॉनिटर लगा है वहाँ, और ये जो अंदर की जो वायरिंग है यहाँ ओपन है, यदि बाहर की साइड इसमें पानी गिरता है तो अंदर पानी आ जाएगा। तो आपको उसको पानी से बचाना है, इसमें पानी नहीं गिरना चाहिए, नहीं तो अंदर जो वायरिंग है वहाँ तक पानी पहुँच जाएगा। तो अभी हम अंदर का धीरे धीरे जितना भी इसका सिस्टम है, जो इसका जो बिल्ड जो है अंदर, जो इसकी बनावट है और जिस प्रकार से ये बना हुआ है, तो हम इसको धीरे धीरे ओपन करते हैं। जितने स्क्रू दिए इसको हम धीरे ओपन करेंगे और देखेंगे कि हर एक जो इसमें कंपोनेंट लगा है वो किस प्रकार से काम करता है। एवरी कंपोनेंट जो देखेंगे कि उसमें कैसा क्या सिस्टम होता है और आपको कितनी प्रकार की सुरक्षा देता है। तो सबसे पहले हम रिमूव कर रहे हैं इसका प्रेशर वॉल्व। ये वॉल्व नहीं है, प्रेशर सेंसर आप इसको कह सकते हो, लेकिन एक प्रकार का मैकेनिज्म है। ये वो मैकेनिज्म है जो कम प्रेशर होने पर ऑफ हो जाता है। तो ये बहुत ही काम का सिस्टम प्रेशर है, इसमें प्रेशर सेंसर है। तो बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि ये इसको क्या हम बाईपास कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोगों के घर में जो वाटर टैंक होता है वो कम हाइट पे होता है, जिस कारण से इसमें प्रेशर नहीं बन पाता, या जो लाइन होती है वो बहुत कम गेज की वो पाइपलाइन होती है, ज़्यादा मोटी पाइपलाइन नहीं होती है, आधा इंच से भी कम होती है, तो उनके घर में भी प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। जो लाइन होता है उसमें पानी में इतना प्रेशर नहीं होता है, तो ये क्या गीजर ऑन नहीं होता है। तो आप मुझसे पूछते हो कि क्या इसको बाईपास कर सकते हो, तो मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल नहीं, आप इसको बाईपास बिल्कुल नहीं करिएगा। कर तो सकते हो आप इसको बाईपास, लेकिन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप इसको बाईपास करते हो। क्योंकि यदि आपने इसका प्रेशर सेंसर जो है बाईपास कर लिया और उसको ऑन करते हो, तो कभी भी आपके जैसे ऊपर वाटर टैंक है उसमें पानी ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद में ये ड्राई हो जाएगा। क्योंकि आप इसको ऑन रखोगे और ड्राई कंडीशन में यदि आपने इसको ऑन कर लिया है, तो 2 से 3 सेकंड में ये जल जाएगा। सिर्फ जलेगा नहीं, इसमें आग लग जाएगी, और जो कि हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात हो जाएगी। तो इसलिए आपको कभी भी इसमें कितने भी इसमें जिसमें दो प्रकार का सेफ्टी फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको दोनों को बाईपास नहीं करना है। पहला तो मैंने आपको दिखा दिया जो उसका प्रेशर सिस्टम है, जो पानी के प्रेशर होने पर ही ये ऑन होता है। यदि पानी में प्रेशर नहीं होगा, आगे से जो पानी आ रहा है उसमें प्रेशर नहीं होगा, तो ये ऑन नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है, सेफ्टी फंक्शन है। और जब हम सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। ये जो प्रोडक्ट है मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, तो आप इससे सोच सकते हो कि इसकी सुरक्षा जो हमको दे रहा है, सेफ्टी फंक्शन दे रहा है, तो एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह भी बन जाता है, क्योंकि ये चाइना प्रोडक्ट है। हम इसकी डिसेंबली चालू रखते हैं, तो आगे हम धीरे धीरे ओपन कर रहे हैं। तो इसमें अगला सेफ्टी फंक्शन रहता है थर्मोस्टेट। तो इसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है, ओवरहीट होने पर ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, तो ओवरहीट प्रोटेक्शन भी इसमें आपको मिलती है। और इसके जो ओवरहीटिंग का जो सेंसर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी मैं रिमूव करूँगा। तो ये जो इसका अभी मैं वो बता देता हूँ, जो दो वायर मैं आपको दिखा रहा हूँ, रेड एंड ब्लैक, ये पावर सप्लाई के वायर है, जो पावर जा रही है, जो मॉनिटर है टेम्परेचर सेंसर का उसमें पावर जा रही है, वो वायर है ये रेड एंड ब्लैक। और इसका सेंसर वाला ब्लैक कलर का वायर देख सकते हो, जो कि सीधे एलिमेंट में लगा हुआ है। ये आप देख सकते हो, ये इसका थर्मोस्टेट, ये थर्मोस्टेट है इसका। तो ये जो थर्मोस्टेट है यही इसको कट ऑफ करता है यदि ओवर हीटिंग होता है। तो ओवर हीटिंग से मतलब कि जो इसका आगे से फिक्स जो टेम्परेचर है, जैसे ही वो टेम्परेचर पे आता है तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो ये वो फंक्शन है। तो ये जो मॉनिटर है हम इसको रिमूव कर लेते हैं, ये टेम्परेचर मॉनिटर इसको रिमूव कर लेते हैं। ये टेम्परेचर मॉनिटर डायरेक्ट 230 वोल्ट से चलता है, जो कि ये एलिमेंट में लगे हुए जो वायर है वहीं से पावर ले लेता है।
तो आप देख सकते हो इसमें एक अर्थिंग का वायर भी कनेक्ट है, ये एलिमेंट की बॉडी से कनेक्ट है अर्थिंग का वायर, और इसको यहीं से कनेक्ट किया गया है। तो इसमें अर्थिंग तो दी है लेकिन जो इसकी पिन है वो इंडिया के जो स्टैंडर्ड है वो पिन से नहीं है, इस कारण से इसकी जो पिन में आपको टू ही पिन देखने को मिलेगी, अर्थिंग की पिन देखने को नहीं मिलेगी। तो यदि आप इसको यूज़ करते हो तो इसको आपको इसकी जो पिन इसके साथ जो आई है थ्री पिन उसको आपको कट करना पड़ेगा, और जो अपने यहाँ की जो अपनी कंट्री की थ्री पिन है वो कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको इसमें अर्थिंग की जो सेफ्टी है अर्थिंग का तो वही आपको मिल पाएगी। ये जो आप देख रहे हो ये इसका जो ढक्कन है जहाँ पर हीटिंग एलिमेंट है उस साइड का ढक्कन है जो कि इसमें वाटर सील करता है। तो इस प्रकार से फिटिंग है इसकी, तो यहाँ से पानी नहीं गले, इस प्रकार से इसमें रबर लगा हुआ है, और इस प्रकार से ये सिंपल सा ऐसा ढक्कन लगा हुआ है, उसको आप उसको पैक कर सकते हो। और ये है इसका हीटिंग थर्मोस्टेट जहाँ पर कट ऑफ हो जाता है जो इसका निर्धारित टेम्परेचर है वहाँ आने पर। और दूसरा सेंसर जो मैंने अलग से कनेक्ट किया है जो आपको दिखा रहा हूँ, ये इसका टेम्परेचर सेंसर है जो आपको बताएगा कि इसमें जो पानी है वो कितना गर्म है। तो ये जो सेंसर है ये 230 वोल्ट से चलता है और ये भी चाइनीज़ है, मतलब पूरा डिवाइस ही चाइनीज़ है, उसमें हर एक पार्ट्स चाइनीज़ का है, कोई भी इंडियन पार्ट्स उसमें नहीं लगा हुआ है, सब चाइनीज़ का है। और ये दो पिन देख रहे हो आप, ये कॉन्टैक्ट बनता है इसमें आपस में, जब ये कनेक्ट होते हैं तभी ये गीजर ऑन होता है। तो ये वही दो पिन है जो प्रेशर होने पर आपस में कॉन्टैक्ट में आती है और इसके बाद में ये ऑन होता है। तो इसमें लो प्रेशर होने पर ये गीजर ऑन नहीं होगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यदि हमारा घर में लगा वाटर टैंक खाली हो जाता है तो उसके बाद में पानी में प्रेशर नहीं होता है, तो उस प्रकार से ये गीजर ऑफ हो जाएगा। तो ये अच्छा फंक्शन है, इसको आपको बाईपास नहीं करना है। तो ये इस प्रकार से कुछ काम करता है, इस प्रकार से इसमें प्रेशर बनता है। तो ये जो आप देख रहे हो मैकेनिज़म, तो इस प्रकार से ये इसमें से प्लंजर बाहर आता है और इसको ऑन कर देता है, और प्रेशर नहीं होने पर ये पीछे के साइड चला जाता है और ये ऑफ हो जाता है। तो काफ़ी अच्छा सिस्टम है ये। तो ये आपको ख़रीदना चाहिए कि नहीं ख़रीदना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, इसका कुछ भरोसा नहीं है कि इसके जो सेफ्टी फंक्शन है कब तक काम करते हैं और कब काम करना बंद कर देते हैं। तो इसमें कुछ ऐसे आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड भारतीय स्टैंडर्ड वो आपको नहीं मिलेगा, मतलब ISI मार्क का आपको इसमें स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। तो उस प्रकार से दोस्तों ये डिवाइस है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग इसको ख़रीद रहे और यूज़ कर रहे हैं, तो अभी तक किसी के साथ ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया, लेकिन हुआ भी होगा तो हमको तो भी मालूम नहीं पड़ा होगा कि कोई ऐसा कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो जाए। तो ये मैं आपको ये ख़रीदने का सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन इसको इनसाइड करके मुझे देखना था कि कैसा क्या इसका सिस्टम है, और मैंने आपको भी दिखाया है। आपको यदि ख़रीदना हो तो आप हेवल्स का ख़रीद सकते हो, बजाज का ख़रीद सकते हो, कॉम्प्टन का ख़रीद सकते हो, और भी अच्छे हिंदवेयर का ख़रीद सकते हो, और भी अच्छे डिवाइसेज जो मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट है, जो एक इंडियन स्टैंडर्ड में उसको सर्टिफाइड किया गया है, वो प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। ये चाइनीज़ प्रोडक्ट्स तो आप दूर ही रहिएगा, क्योंकि ये वो चाइनीज़ प्रोडक्ट जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि वीडियो में कुछ बताना रह गया हो या आपको कुछ और कुछ जानना हो तो आप कमेंट मुझे बता सकते हैं। और ये वीडियो आपने पूरा देखा उस सब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।